वेलकम टू अयानास किचन। आज हम अपने किचन में ये फ्राइड मोमोज बनाएंगे, जो कि बहुत ही ये मज़े के बनते हैं। जो लोग वैसे स्टीम वाले खाना पसंद नहीं करते हैं, वो ये फ्राइड मोमोज आसानी से खा सकते हैं, और इनका टेस्ट थोड़ा सा हटके होता है। और ये मैंने सोया चंक्स इनमें भरा है। चलिए शुरू करते हैं इनको बनाना। ये देखिए, मैंने 1.5 कप के करीब सोया चंक्स लिया है। इसको मैं सोख करके रख दूँगी। ये मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। और उसके बाद ये मैं मोमोज के लिए अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी। ये मैंने यहाँ 1.5 कप मैदा ली है, और इसमें 1 चम्मच भर के मैंने ऑयल डाल दिया है, जिससे कि हमारा डो एकदम स्मूथ सा बन जाए। अब इसमें ये मैंने नमक डाल दिया है, बहुत ही छोटी चम्मच नमक डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डालना हमें। और इन सबको अच्छे से हमें मिला लेना है, और थोड़ा थोड़ा पानी कर डालते हुए इसका हमें अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। और ये देखिए, डो तैयार हो चुका है। अब ये ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें ऑयल लगा के और इसको अच्छे से चिकना कर देंगे, और इसको मैं रेस्ट पे रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए। और यहाँ पर ये हमारे सोया चंक्स भी नरम हो चुके हैं। अब इनको अच्छे से स्क्वीज करके मैं अलग प्लेट में रख लूँगी। और ये उसके बाद ये मैंने गैस पे पैन रख दिया है, इसमें मैंने ये घी डाल दिया है। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की अनियन बारीक सी कट करके मैं इसको फ्राई कर लूँगी इसमें। ये हम यहाँ स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद इनको सोया चंक्स को मैंने ये मिक्सी जार में अच्छे से बारीक कर लिया था। अब इसको मैंने इसमें डाल दिया है पैन में, और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं। अब उसके बाद हम इसमें एक एक करके सामान डाल देंगे, जैसे कि मैंने नमक डाल दिया है, और रेड चिली पाउडर है, और 1/2 चम्मच के करीब इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया है, जिससे कि टेस्ट और बढ़ जाएगा स्टफिंग का। और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। ये नीचे चिपकता है, इसलिए इसको चलाते रहेंगे हम अच्छे से। अब यहाँ मैंने ये 1/2 चम्मच के करीब सोया सॉस डाल दिया है। ये केवल 1/2 चम्मच ही डाला है, क्योंकि काफ़ी डार्क वाला सोया सॉस है ये। और आप चाहें तो इसमें रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें रेड चिली सॉस ही डाला है, आप टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। और अब बस इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इधर ये हम डो से छोटी छोटी पूरियां बना रहे हैं, बहुत ही पतली और छोटी बनानी है। और 1 से 1.5 चम्मच हमें इसमें स्टफिंग डालनी है, और उसके बाद इनको साइडों से मिलाते हुए अच्छी सी छोटी सी हमें मोमोज का शेप दे देना है हमें। ये पोटली की शेप बनाकर, और ये ऊपर से ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा डो हटा लिया है। और इसी तरीके से अब हम ये दूसरा मोमोज तैयार करेंगे। और ये देखिए, 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें स्टफिंग डाल रही हूँ। हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो ये मोमोज फटने लगेंगे। और भाई इसको भी साइडों से लेते हुए, और जो बाकी का एक्स्ट्रा आटा होता है वो हमें निकाल देना है। और आप चाहें तो इनको अपने तरीके से, जो आसान शेप लगे उस शेप में भी आप बना सकते हैं इनको। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक एक करके सारे मोमोज तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे हम। और ये मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है, और एक एक करके ये इसमें मैं डालती जाऊंगी। एक बार में जितने आ जाएं उतने हमें डाल देने हैं।
और गैस की फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर रखी है। और ये देखिए एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मैं इनको पलट रही हूँ। इनको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब ये हमारे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। और देखिए बाकी के जो बचे हुए थे वो भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है। और ये देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है, और बहुत ही मज़े के बने थे ये। और आप भी एक बार ज़रूर से इस तरीके से ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से करिए। और इसी तरीके से मैं और अपनी अगली वीडियो में मिलती हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय।